देख सकते हैं एक परिवार है जिसका महज 24 साल का बच्चा जो जेल में बताया जा रहा है थोड़े दिनों पहले ही गया था और कल अस्पताल में अस्पताल जो है लेकर आए थे पुलिस के, वहाँ के पुलिस जो है अस्पताल लेकर आई थी और वहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। क्या कुछ हुआ था आंटी जी, रजत के साथ क्या कुछ हुआ, कुछ पता चला? कुछ नहीं हुआ था जी, दो सही सलामत पेश करा था जी, मानना तो बुखार नहीं कुछ नहीं था जी, 6 तारीख न जमानत करवा दे जी उसकी, हम तो रुपये लेकर खाकर इन्हें रुपये रजत मरवाया जी। आपको कब पता चला कि रजत के साथ ऐसा हुआ? मैं 8 बजे पता लगा जी, जीरी में आई थी मैं जब, कल 10 बजे लेकर आए जेल में, तो मारे पास फोन नहीं करना था, कहते जाकत की दिक्कत हो रही, तो मेरे पीछे क्यों फोन गया मेरे पास, इन्हें बताना नहीं था कि इन्हें रुपये खाए, इन्हें मेरा जाकत मरवाया। जेल में कब गया था वो? 2 तारीख ना गया था जी। तो देख सकते हैं एक बार रजत की तस्वीर भी आपको दिखा दें, महज 24 साल जो है रजत की उम्र है और जेल में वो बताया जा रहा है 2 तारीख को गया था और कल बताया जा रहा है जब उसको कोई तकलीफ होती है जेल में। क्या कुछ हुआ इसका फिलहाल कुछ पता नहीं है। जेल के बाद जो है अस्पताल में उसको लेकर आते हैं और उसके बाद अस्पताल में रजत जो है दम तोड़ देता है। जी हाँ, उसकी मौत हो गई है, उसके छोटा सा बच्चा है, बीवी बच्ची है, छोटे छोटे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है रजत के हैं और उनकी बीवी की हालत आप देख सकते हैं, महज 24 साल का रजत जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, कहीं ना कहीं वो जेल में था, उसके बाद अस्पताल जब पुलिस लेकर पहुंचती है तो वो दम तोड़ देता है। बच्चा देख सकते हैं कितना मासूम सा छोटा सा बच्चा है और उसकी बीवी वाइफ की हालत आप देख सकते हैं कि रो रो कर कितना ज़्यादा बुरा हाल है बताया जा रहा है। 2 तारीख को जो है रजत जेल में गया था, कुछ काम वगैरह करता था आंटी जी रजत वैसे? नहीं जी कुछ नहीं गया, रोटी डैडी मिंत करवा जी हम तो, हाँ जी नशा नहीं पासा नहीं, ये कह रहे कभी टैक पड़ गया, कभी नशा करके मरया, कभी कुछ कोवा जी, माना इनकी झूठ सच पकड़ लो जी, माना जी रिमे पेश करे था जी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुखद जो है हादसा जरूर है। फिलहाल मौत के कारणों का कुछ नहीं पता है कि आखिर रजत की मौत किस कारण से हुई है, पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा। उनकी बीवी बच्चे हैं कि किस तरह से आपको रोते हुए नजर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा परिवार मौजूद है, महिलाएँ आपको ज़्यादा जो है नज़र आ जाएगी क्योंकि रजत जो है वो बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे उसकी डेथ हुई, ऐसा कुछ बता रहे हैं? रात न 6 बजे, रात 6 बजे, रात को 6 बजे हुई और आपको जानकारी? 8 बजे मरते बताया, 8 बजे 10 बजे का कल्पना चावला में एडमिट कर रखा था जी और रात को 8 बजे सोचना दिया जी आपका लड़का पूरा होगा जी, इन्होंने हम ये चाहते हैं जी, इन्होंने 10 बजे क्यों नहीं बताया जी मार को, हम अपने ते पूछ दे मिल दे कुछ तो कर दे जी, बस हम यही चाहते हैं, हमने इंसाफ किया जी इस बात का। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं थी रजत? ठीक ठाक, हमने खुद पेश करके आए जी, वकील के हाथों जी, वकील ते पूछ लियो जी, वकील भी आएगा जी यहाँ पे जी, वकील ते भी पूछ लियो जी। कोई वैसे कभी परेशानी हो पहले, कभी कोई दिक्कत हो किसी तरह? ना जी किसी चीज की ना तो कोई परेशानी थी ना दिक्कत थी जी उसको, जब ठीक ठाक एडमिट करके आए जी वो मुझते, ठीक ठाक जेल में गया जी वो। किस मामले में गया था कुछ पता? बस लड़ाई झगड़े का था जी, 2 साल पुराना केस था जी। फिलहाल अगर आप देखें तो उनकी बीवी की बहुत ज्यादा बुरी हालत नजर आ रही है। यूपी नंबर आया मेरा बच्चा, 6 तारीख ना जमानत थी, यूपी वालों ने पीछे दिए, पुलिस वालों ने मारे, 6 तारीख की जमानत थी उनकी, एक दिन पहले मरवा दिया मेरा बच्चा, 3 ही दिन तो है था, 3 ही दिन तो है थे, एक मेरा लड़का बुखार होता, BPI होता, कुछ होता, मन बतादा भाई तारा बच्चा बीमार हो रहा का देख लो। पुलिस वाला ना मारा, यूपी वाला ना मरवाया, रुपये देखा भारतीय का बस रे जी, पड़ोसी जिनसे लड़ाई हुई। हाँ जी, लड़ाई किस बात पे हुई? बस जागतो जागतो की बच्चों, हाँ जागतो जागतो की हो रही। बताया कि मौत क्यों हुई है, उसको क्या दिक्कत परेशानी थी, ऐसा कुछ बताया? तो कह रहे कभी टैक पड़ गया, कभी नशे में मर गया, कभी कहीं माँ कह रहे वहाँ बैठे वहाँ कह रहे। नशा करता था? नहीं जी, बीड़ी बाड़ी भी पीला थे बस। ये पुलिस वाले कह रहे जी नशे में मारा जी, जेल में नशा मिल जाएगा जी। 2 तारीख से जेल में था? हाँ जी, 2 तारीख से जेल में जाते जी और 3रे दिन ये इसकी डेथ होगी जी।
नशा नहीं मिल सकता जी वहाँ पे। फिलहाल अगर आप बीवी बच्चों की हालत देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है एक तस्वीर ऐसी नज़र आ जाएगी कि किस तरह से जो है एक लड़का जिसके बीवी बच्चे हैं माँ बाप हैं वो दुनिया को छोड़कर चला गया। अब इस परिवार का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ होगा और परिवार कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए तो ये संदिग्ध परिस्थितियाँ जरूर हैं कि आखिर रजत की मौत किन कारणों से हुई, ये बात तो फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही जो है खुलासा हो पाएगा। एक बार बातचीत करेंगे। आपको कुछ बताया रजत ने कभी कि कोई दिक्कत परेशानी हो? कुछ भी दिक्कत नहीं थी, सही था। शादी कब हुई थी आपकी? 2 साल हो गए। एक बच्चा है आपका? एक ही है। लड़ाई भी 2 साल पहले हुई? मेरे से पहले हुई थी लड़ाई तो। तो देख सकते हैं एक जो है महिला आपको ये नजर आ रही है, रजत की वाइफ है। ये इनकी जब शादी हुई है तब इनकी शादी भी जो है रजत के साथ नहीं हुई थी और अब जो है रजत की मौत भी होगी है महज 2 साल। जी हाँ, महज 2 साल और छोटा सा बच्चा भी आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है रोते हुआ परिवार नजर आ रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद जो है मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा कि आखिर रजत की मौत किन कारणों से। आपसे अपील यही रहेगी कि इस तरह के जो है केसेस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बार ये देखने को मिलता है कि परिवार की हालत जो है बहुत ज़्यादा बुरी जरूर हो जाती है। तो आपसे हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि इस तरह की तस्वीरें आपको इसलिए दिखाई जा रही है ताकि जो है आप इस तरह के वाक्यों से सावधान हो सके और किसी तरह के लड़ाई झगड़ों से बच सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो अपने आप को जेल में भी कई बार ढाल नहीं पाते हैं। तो मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। फिलहाल करनाल जेल से हमारे साथ पुलिस जो है मौजूद है क्योंकि परिवार ने कहीं ना कहीं आरोप जरूर लगाए। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर रजत को क्या कुछ हुआ था जिसके बाद उन्हें जेल में एडमिट करना पड़ा। सर क्या कुछ हुआ था रजत को? ये अचानक तबीयत खराब हुई थी जेल पे, तो डॉक्टर साहब ने इसकी गार्ड लगा दी इधर के लिए, इमरजेंसी गार्ड। तो हम इसको लेके इधर आ गए जी, रास्ते में भी ये खींच खींच के सांस ले रहा था, तो यहाँ एडमिट करवाया ECG की, तब इन्होंने बता दिया अभी ये डेड है। तो सर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने बताया कि मौत क्यों हुई या कारण अभी? ये नहीं हमारे को पता जी कुछ नहीं। तो फिलहाल जो है रजत की मौत का कारण जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। सर आपका नाम? कुलवंत सिंह। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे कुलवंत सिंह। करनाल जेल से जो है रजत को अस्पताल जरूर एडमिट कराया गया लेकिन जो है पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा।